हैं अगले साल का जोर शोर वाला एक्शन बताने के लिए, और वो होने जा रहा है प्राइमरी मार्केट में। स्टार्टअप कंपनियां ढेर सारे आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है, किस तरह की प्लानिंग है कुशल, जरा विस्तार से बताएं। सर यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है रेड सेयर कंसल्टिंग की तरफ से, उनका जो रिपोर्ट आई है किसकी? वो रेड सेयर कंसल्टिंग। ये कौन है? तो वो कंसल्टिंग बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, और उनकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगले 5 सालों में 80 स्टार्टअप वाले आईपीओ आ सकते हैं। 5 सालों में 80, मतलब पर ईयर, यानी कि 16-17 आईपीओ आपको स्टार्टअप जो न्यू एज कंपनीज हैं उनके आते हुए दिखेंगे। ये मतलब पेटीएम टाइप्स, ज़ोमैटो टाइप्स, अब यही थोड़ी सोचने वाली बात है सर, या कार ट्रेड या आईपीओ से ऊपर लिस्ट होने वाली टाइप्स, अब वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आप ऐसा डराओ मत। नहीं नहीं, डेफिनेटली सर। तो जो न्यू एज कंपनीज है वहां पर अब फोकस है, और इनमें औसतन अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो लगभग 16-17 कंपनियां अपने आईपीओ लाने वाली है। इनफैक्ट इसमें से जो स्टार्टअप्स हैं उनमें से 9 कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है, 10 कंपनी ने डीआरएचपी का ड्राफ्ट अभी कंप्लीट किया है। बट लार्जली जो आपको देखना है यहाँ पर यूएस में, जहां पर नई एज कंपनियों का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे टोटल यूएस का, तो उसमें से 25% हिस्सा न्यू एज कंपनीज का है, जबकि भारत में केवल 1% है। तो देखना होगा कि यहां पर किस तरह से आगे चलकर जो नई एज कंपनियां अपने आईपीओ लाती है वो कितना मार्केट कैप लेके आती है, कितना सस्टेन करती है, कितना सस्टेन करती है, और कितना आगे लेकर इस मार्केट कैप को, ओवरऑल पाई को बढ़ाती है। तो इस पर बड़ा फोकस रखना है आपको। साथ ही कुछ चुनिंदा मैट्रिक्स है जिस पर रेड सेयर कंसल्टिंग कह रहे कि इनको फोकस करना चाहिए। एक तो मार्केट लीडरशिप उनकी कितनी बड़ी है, दूसरी टोटल एड्रेसेबल मार्केट की क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहां पर मार्केट कितना बड़ा है उसकी एस्टिमेशन नहीं है, और लार्जली हम देख ही रहे हैं कि कैश फ्लोज का आगे चलकर न्यू एज कंपनीज का एस्टिमेशन करना वैल्यूएशन के लिहाज से काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए अगर कोई प्रॉपर मैट्रिक्स निकल पाए जिसके बेसिस पर हम आगे आने वाले समय में इनकी ग्रोथ कैसी रहने वाली है उसको, उसका इन्वेस्टर सही आकलन कर पाए, तो इस पर बड़ा फोकस रहेगा। साथ ही आय का सही अनुमान जैसे मैं बता रहा था, और जो कंपनी का आगे की प्रॉफिटेबिलिटी का जो पाथ है, क्योंकि काफी सारी कंपनियां जो अभी लिस्ट हुई हैं वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर्स को रहता है। तो न्यू एज कंपनीज को लेकर अगर ये चीज क्लियर हो जाए कि आगे जब भी ये डीआरएचपी फाइल करे प्रॉफिटेबिलिटी कब तक आएगी, ये काफी अहम रहेगा। ये होता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है, और आने वाले 5 सालों में 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स के आईपीओ आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी वाले आएंगे तो फिर तो कोई टेंशन है वाली बात नहीं, तब तो ठीक है। प्रॉफिट में तो एक ही था नायका, हाँ, जब आईपीओ आया तो लिस्टिंग अच्छी भी हुई, लेकिन बाद में वो अलग बात है कि दूसरे भाइयों के साथ वो भी गिरी। भाई जब पॉलिसी बाजार गिर रहा है, जोमेटो गिर रहा है, जब आपको क्या नाम, कार ट्रेड गिर रहा है, पेटीएम गिर रहा है, तो नायका का भी बनता है फिर गिरना, है ना। तो इसलिए अब फाइनली विशेष टिप्पणी इस पूरे आईपीओ बाजार पर गहरी पकड़ रखने वाले हमारे जैन साहब। जैन साहब 80 आएंगे, पैसे हैं आपके पास पूरे इन 80 आईपीओ में पैसा लगाने के? एक रुपया भी नहीं लगाना है, क्या करेंगे इतने पैसे का जैन साहब? नहीं, आपने मिड कैप स्मॉल कैप बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जेम्स में लाते हैं, जेम्स साहब के जेम्स में उनको लेना है। और हमने तो देखिए, आप हो भले ही मैं हूँ या हमारे काफी पैनलिस्ट है, सबने ये स्टार्टअप्स के ऊपर जब भी बात आई है आईपीओ के टाइम पे, जब भी रिकमेंडेशन देना था तो हमने बहुत कॉशन दिया था, काफी लोगों को कॉशियस किया। और देखिए, भले ही हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ कंपनियों का अच्छा लिस्टिंग हुआ, बट बाद में हम देख रहे हैं, और आज भी देखिए ये कंपनियां, इनका टैम तो ठीक है, अच्छा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की वजह से इनको फंडिंग मिली और सब कुछ बहुत बढ़िया, मार्केट शेयर भी लोग ग्रैब कर रहे हैं, बट फाइनली आप ये देखिए कि ये लोग प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे तो आएंगे ही नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू तो फिर भी देख लेंगे, प्राइस टू सेल्स पे चलते, और वहां पे भी अच्छे खासे महंगे पे चलते हैं। तो मैं तो एक भी ऐसा नहीं दिखता, कल भी मेरा कोई जगह ट्विटर स्पेस हो रहा था तो मैं यही बात किया कि न्यू एज कंपनीज, अगर पूरे इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट में कोई सेक्टर खराब लगता है तो मैं न्यू एज कंपनीज की बात किया था। और लास्ट ईयर जब हम लोग एनालिस्ट से, जी बिजनेस ने जब मांगा था कि सर विच सेक्टर यू डोंट लाइक, मतलब आई लाइक ऑल द सेक्टर्स, बस एक सेक्टर है पर्टिकुलरली वो न्यू एज कंपनीज, सो आई स्टिल आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको स्टार्टअप इन्वेस्टर बनने का एक अलग खेमा में घुसना पड़ता है, वो एक अलग बॉल गेम है। आप एक पोर्टफोलियो का 5-10% एक अलोकेट कर सकते हो, उसके अंदर ये सारे स्टार्टअप्स आए। अगर ये एक दो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके पूरे, तो बहुत लोगों को मैंने अलग अलग तरीके से इस पर राय दी है, सो आई एम वेरी कॉशियस एंड स्टिल ये सारे आईपीओ जाएंगे, इनमें कॉशियस रहना चाहिए। और जेन जी और जो न्यू कमर्स है या
जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आते हैं वो लोग को ये जो रिलेट कर पाते हैं जिससे उन आईपीओ में लगा देते हैं पैसा, तो वहां पे भी हम और कॉशन करेंगे, हर बार देखेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके ऊपर वापस से और थोड़ा सा गहरी चिंतन करनी चाहिए। सिर्फ जो प्री इन्वेस्टर्स है, 3 साल का इनका एक क्लॉज रहता है, उनको एग्जिट देने के लिए आप ये स्टार्टअप लोगों को जबरदस्ती आईपीओ लाना पड़ता है, लॉस मेकिंग आईपीओ आते हैं तो मजा नहीं आता।